यार केवल मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं पूछूं? पूछो। हाँ, हम सब ने दो टाइप के लोग देखे हैं, राइट? एक जो होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है, मतलब जिनको देख के हम इंस्पायर्ड है, जिनको देख के हमें उनके जैसा बनने की इच्छा होती है और हमें उनके जैसा बनना भी है इन एक्चुअल। और एक टाइप के लोग होते हैं कि जो स्मार्ट है, जो हार्डवर्क करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको कुछ बनना है, जिनको कुछ कर दिखाना है, बट स्टिल वो भी सर्वाइवल मोड पे ही है। मतलब उनकी ज़िंदगी चल रही है और वो चला रहे हैं, उनको मतलब वो इनफैक्ट उस टाइप के लोग नहीं है कि जिनको हम सक्सेसफुल बोल पाए। तो कुछ तो एक थिन लाइन होगी ना जो इन दोनों के बीच में इतना सारा डिफरेंस क्रिएट कर रही है, तो मेरे को वो चाहिए, उसका जवाब चाहिए। करेक्ट। ओके, तो ये मैं इसका आंसर है ना एक स्टोरी के रूप में बताना चाहता हूँ। ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन स्टोरी? बहुत ज़्यादा। मेरे मेंटोर ने एक स्टोरी बताई थी एंड दिस स्टोरी विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, सो बहुत ही डीप स्टोरी है। इट्स अबाउट टू मार्बल्स। उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहा था आफ्टर 5 years ऑफ देयर ओरिजिन। ओके, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ओरिजिन, इट वाज ऑल सेम। बोथ दीज मार्बल्स आर हैविंग द सेम मैन्युफैक्चरर, सेविंग द सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सेम क्वालिटी एंड सेम प्लेस एंड एवरीथिंग एक्चुअली सेम। बट स्टिल आफ्टर 5 years वॉट ड्रास्टिक चेंज हैपन्ड, यू नो। एक मार्बल था कि जिसका एक प्रेशियस मॉन्यूमेंट हो चुका था, एंड एक मार्बल है जिसका इट जस्ट अ स्टेयरकेस। ओके, सो अ कॉन्वर्जेशन, एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन वॉज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। यार इट वॉज ऑल सेम एक्चुअली बिफोर 5 years। हम दोनों आई रिमेंबर दैट हम दोनों सेम प्लेस पे थे, सेम वी वेर नेक्स्ट टू ईच अदर। But now you are there and I am here. Okay, people are using me actually to reach you. Okay, I am just being used. Hum mere upar se jaate hain, they don't even consider me as an important part to reach you, and right. People from far away comes to you to look at your beauty, to look at what you have become. Okay, kya ban chuke ho, to look at the minute work, the beauty of it. So why this difference, yaar? I cannot accept this. So that monument, no? उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटिफुल आंसर दिया कि एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट अलाउिंग somebody to chisel you. Right. Okay? कि आई रिमेंबर वेन द स्कल्प्टर वॉज ट्राइंग टू वर्क ऑन यू। ओके, वो कुछ तो माइन्यूट वर्क कर रहे थे, उसमें कुछ हथौड़े भी मारने पड़ते हैं, कुछ कुछ पेन होता है, कुछ हैवी होता है, कुछ डिफिकल्ट होता है, द पेन, द चेंज, इट्स ऑल डिफिकल्ट, इट्स ऑल पेनफुल, एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ लाइफ। बट यू आर नॉट अलाउिंग। ओके, तुम्हें दर्द हो रहा था, तुम भाग रहे थे, तुम टूट रहे थे, तुम हर्ट हो रहे थे, तुम उफ आउच में लग गए। एंड जो स्कल्प्टर था सेम था, उनका इंटेंशन सेम था मेरे लिए भी। एंड व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन टू मी, आई वॉज नॉट reacting the way you were. Okay, मुझे भी pain हो रहा था यार। It's not that I'm not getting hurt. मुझे भी pain हो रहा था, but still I was having faith on the person who is walking on to me. Okay, that sculptor, because he knew what he's doing. उनको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कैसा काम करना है, क्या काम करना है। So it's all about that. 5 years मैंने खुद को अलाव किया एंड देन स्कल्प्टर को अलाव किया टू वॉक ऑन टू मी, एंड देन नाउ फॉर द होल लाइफ आई एम सेट फ्री। ओके, मैं बन चुका हूँ कि बहुत लोग दूर से आते हैं एंड मेरे ऊपर चल के नहीं जाएंगे, मैं अभी फ्री हूँ, लेकिन तुम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू विल बी देयर सफरिंग चिजल फ्रॉम द होल वर्ल्ड एक्चुअली। Wow, okay, and then they don't even consider you as an important part. So deep. Yeah. So now this brings to the moral of the story ki actually hum log hai na, hum log ka insaan ka upbringing, challenges and problems and difficulties and poverty, mediocrity, everything same. Okay, almost all the world unka sab same hi hota hai, but still like you said earlier ki देर आर सम पीपल कि जो पहुँच गए एंड देर आर मैनी पीपल कि जो अभी वो लेवल पे है कि पीपल डोंट कंसिडर देम। हाँ, चलता है।
सो उनकी जो स्टोरी है ना, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है जो चलाते हैं, उनकी स्टोरी में ये है कि दे डोंट अलाउ समबडी टू बी बेटर देन देम एंड टू वर्क ऑन देम. ओके, आई रिमेंबर ऑल माई अराउंड पीपल, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, एंड वे एंड वेन समबडी smarter, better than them, they look at them, then they try to avoid them. They try to find something wrong in them who are already better and whose thought process starts when their thought process ends. But still, unka ego hai na, wo allow nahi karta hai ki kisi ko bhi better hone ki. And they try to be in that room where they are the smartest person in the room. But actually, I believe दैट अगर आप रूम में सबसे स्मार्ट हो तो आप गलत रूम में हो. आपको ऐसे कोई पर्सन, ऐसे कोई रूम की ज़रूरत है कि जहाँ पे देर आर एवरी सिंगल पर्सन इज बेटर देन देम, बेटर देन यू, एंड यू कैन लर्न, यू कैन गेट चिजल. दे शुड वर्क हार्ड ऑन यू, दे शुड चिजल यू इन अ वे कि यू विल बिकम दैट मोन्यूमेंट इन 5 years एंड यू विल बी सेट फ्री फॉर द होल लाइफ. हैव यू गॉट योर आंसर? वाओ यार, केवल मतलब बहुत ही डीप था, सिंपल बट सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट. मतलब बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है ये वाला स्टोरी. एब्सोल्युटली, इसी स्टोरी ने मुझे चेंज किया ऑनेस्टली. डन.